CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सर सैयद अहमद खां की एक कहानी गुजरा हुआ जमाना। बरस की आखिर रात को एक बुड्ढा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। हाय, रात भी डरावनी और अंधेरी है। घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है। बुड्ढा निहायत गमगीन है, आंखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। वो अपने पिछले जमाने को याद करता है। मेरी गुजरी हुई जिंदगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसी ये रात। फिर वो अपनी जवानी का जमाना याद करता था, अपना सुर्ख सफेद चेहरा, सुडोल डील, भरभरा बदन, माँ बाप जो नसीहत करते थे, नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे और ये कहता था अभी बहुत वक्त है। उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बाते इंसानी के जोशों की खुशी उसे याद आती थी। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि क्या अच्छा होता अगर मैं उस वक्त का ख्याल करता और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। वक्त निकल गया, वक्त निकल गया। हाय मेरी गुजरी हुई जिंदगी। वक्त निकल गया। इतने में उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आशना याद आए। माँ गोया मोहब्बत से उसको छाती से लगाए, आंखों में आंसू भरे खड़ी है, ये कहती हुई, बेटा वक्त निकल गया। बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है और उसमें से ये आवाज आती है, क्यों बेटा, हम तुम्हारे ही भले के लिए ना कहते थे। वक्त। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा, उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई। तुम
दुल्हन सी कौन हो? तुम कौन हो? मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ। तुम्हारी तस्वीर का भी कोई अमल है? हाँ है, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। बस जो भलाई इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। नमाज, रोजा, हज, जकात इसी तक खत्म हो जाता है। मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूं। जो मुझको तस्खीर करना चाहे इंसान की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी कौम की भलाई में तो दिलो जानो माल से साई हो। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बुड्ढा फिर अपनी जगह आ बैठा। अब फिर उसने अपना पिछला जमाना याद किया और देखा कि उसने कोई काम भी इंसान की भलाई और कम से कम अपनी कौमी भलाई का नहीं किया था। उसके तमाम काम जाती गरज पर मबनी थे। नेक काम जो किए थे सवाब के लालच और गोया खुदा को रिश्वत देने की नजर से किए थे, खास कौमी भलाई की खालिस नियत से कुछ भी नहीं किया था। आए रे वक्त, क्या फिर से तुझे मैं बुला सकता हूं? काश वक्त फिर आता और मैं जवान हो सकता। काश ऐसा हो पाता। काश ऐसा हो पाता। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज आने लगी। बेटा, ऐ वक्त, क्या मैं फिर तुझे बुला सकता हूँ? बेटा, किस लिए तेरी हिचकी बंद गई है? क्यों तू बेकरार है? उठ, मुंह हाथ धो, कपड़े पहन, नौ रोज की खुशी मना, तेरे भाई बहन तेरे मुंतजिर खड़े हैं। तब वो लड़का जागा। है? ये तो ख्वाब था। उसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर उसको जवाब दिया। बेटा, बस तू ऐसा मत कर जैसा कि उस पशेमान बुड्ढे ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। आमीन, आमीन। यही है मेरी जिंदगी का पहला दिन। मैं उस बूढ़े की तरह कभी नहीं पछताऊंगा। हाँ, कभी नहीं पछताऊंगा।
मुझे अब समझ में आ गया है। आमीन, आमीन, आमीन। गुजरा हुआ जमाना। अभी आप सुन रहे थे सर सैयद अहमद खां की एक कहानी। विषय संयोजन डॉक्टर चमनारा, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज, रक्षित और बाबला कोचर, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।